हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिटरमिनेंस पढ़ेंगे। डिटरमिनेंस में हमने पिछले वीडियोज़ में आर्टिकल को पढ़ा, और अदर डिटरमिनेंस में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एनी और सम को पढ़ा। और आज की वीडियो हम दो डिटरमिनेंस और लेते हैं, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनी और मच। मैनी और मच आज के हमारे ये डिटरमिनर हैं। मैनी और मच बहुत सरल। मेरे साथ साथ आप इस दोनों डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दोनों डिटरमिनर्स को सेंटेंस में यूज करते समय। सबसे पहली जो कंडीशन बनती है मैनी के लिए, ये जो मैनी है यूज्ड फॉर, अगर सीधा डिटरमिनेंस यूज हो, इसके और नाउन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। और काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर नहीं, प्लूरल के साथ। मैनी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, और काउंटेबल नाउन्स में प्लूरल। मच के लिए क्या कंडीशन रहेगी? यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यह अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले मच आएगा। मैनी का अर्थ होता है अधिक, कई, ज्यादा, और मच का अर्थ भी अधिक होता है। परंतु फर्क यह है, मात्रात्मक अधिकता दिखानी हो तो वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे, सॉरी संख्यात्मक अधिकता दिखानी हो तो हम मैनी का यूज करेंगे। अगर हमें संख्यात्मक अधिकता दिखानी हो तो मैनी का यूज करेंगे, और मात्रा में अधिक दिखाना हो तो मच का यूज करेंगे। अब दोनों, मैनी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल प्लूरल, मच यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। उदाहरण से समझते हैं। मैनी बॉयज आर स्टिल ईटिंग, बहुत सारे बच्चे अभी भी खाना खा रहे हैं। या फिर यहां ईटिंग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, फूड। मच फूड हैज बीन लेफ्ट, यहां पर मच यूज हुआ है। फूड का फूड्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है फूड। तो मच फूड हैज़ बिन लेफ्ट, बहुत सारा जो खाना है वो बच गया। और मैनी बॉयज, मैनी अगर यहाँ पर किसी सेंटेंस में खाली जगह दें, मच और मैनी में से यूज कराएं, तो आप मैनी का यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज आया हुआ है, बॉयज काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक हो तो आप मच का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ फूड आया हुआ है और फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो रही सामान्य बात मच और मैनी के बारे में, कि इनके बाद में कौन कौन सी नाउन्स आएगी। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में स्पेशल पॉइंट्स, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो हम ऐसे कह देते हैं, देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस स्कूल, परंतु ये सही तरीके से मैनी का यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैनी यूज्ड फॉर यूज्ड एट द पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की जगह मैनी आता है तो हमें वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी का यूज ना करते हुए वहाँ पर या तो हमें अ लॉट ऑफ ट्रीज लिखना चाहिए या फिर लॉट्स ऑफ ट्रीज लिखना चाहिए। ठीक है, वो हम देखते हैं बाद में। यहाँ सबसे पहले देखिए मैनी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, कि मान लीजिए मैनी प्लस
प्लूरल नाउन्स है या प्लूरल नाउन है, मैंने के बाद में प्लूरल नाउन बैठी है तो आप यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर ऑप्शंस कर देते हैं, मैंने टीचर्स, आर टीचिंग प्रॉपर्टी। देखिए इस सेंटेंस को किसी से जोड़ने की बात नहीं है, मैंने टीचर्स आर टीचिंग प्रॉपर्ली, यहां पर हम समझ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में इसको कैसे बैठाएं। पहले मैंने यूज तो मैंने किया, फिर प्लूरल नाउन को लाए, टीचर्स यहां पर प्लूरल नाउन है, उसके बाद में कंडीशन ये बैठती है कि हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, यहां पर आर ही आएगा, इज आप लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, एक तो ये, दूसरा अब मैं कह रहा हूं कि दूसरा जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं वो भी यही सेंस देगा। अगर मान लीजिए मैनी है प्लस ए आया हुआ है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर नाउन आएगी। अब जब सिंगुलर नाउन आएगी तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये याद रखना, क्योंकि मैनी का हम ये अर्थ निकालते हैं कि ज्यादा, तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैनी के साथ में प्लूरल नाउन का यूज करें, परंतु ये स्ट्रक्चर अगर बैठता है मैनी ए सिंगुलर नाउन, यहां पर नाउन लिख देता हूं सिंगुलर नाउन, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बस ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं तो मैनी अ टीचर, मैनी अ टीचर इज टीचिंग प्रॉपर्ली, बस इन बात को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर मैनी और आर्टिकल अ आया हुआ है, तो हमें बाद की जो साइड नाउन आपको भराएं तो भी आप सिंगुलर लिखेंगे, और नाउन दे रखी है सिंगुलर तो वह प्लूरल नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे, कंडीशन ये रहेगी मैनी अ हो, और मैनी से सीधा प्लूरल नाउन्स हो तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब मुझे बताइए इन सेंटेंस में मैनी या मच कहाँ पर आया, यूज्ड एट द पैलेस ऑफ सब्जेक्ट, ये पूरे के पूरे आप देखोगे तो ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आए हुए, तो सब्जेक्ट में मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंटर हो कुछ भी हो, सब्जेक्ट की जगह मैनी और मच का यूज किया जा सकता आराम से। ठीक, परंतु अब बात करते हैं पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट, पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही सबसे बड़े क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कि यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह मैनी कौन कौन से सेंटेंस में आ सकता है, मैनी और मच, हम तो हर सेंटेंस में मैनी और मच यूज करते जाते हैं पर तो ऐसा होता नहीं, इनकी भी कोई कंडीशन होती है। पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म, एक सेंटेंस में कर्म की जगह अगर मैनी आया हुआ है तो कौन से सेंटेंस आएगा, याद रखिए पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट मैनी और मच केवल और केवल किस में आएगा, या तो आएगा नेगेटिव सेंटेंस में या आएगा इंटरोगेटिव में, अब पीछे सेंटेंस कौन सा रहा, ध्यान रखिए पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैनी और मच कौन से सेंटेंस में आएगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, पीछे हमारा पहला सेंटेंस रह गया अफर्मेटिव, मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो और ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है और उसके पहले कोई डिटरमिनेंट हमें भरवाया जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए मान लीजिए सेंटेंस हो अफर्मेटिव, कैसा हो अफर्मेटिव, तो वहां पर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैनी की जगह क्या यूज करना है, मैनी की जगह करना है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये दोनों याद रखना, वही सेंस देंगे अधिकता के मात्रा में, आप मैनी की जगह अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में मच हो उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, यहां पर
अलॉट ऑफ भी कर सकते हो, लॉट्स ऑफ भी कर सकते हो, अ ग्रेट डील ऑफ ये भी कर सकते हो, या फिर अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, यानी ये भी हो सकता है। समझिए, मच की जगह अलॉट ऑफ भी आ सकता है। इसका मतलब आप क्या समझे, अलॉट ऑफ अलॉट्स ऑफ यूज्ड फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, चाहे इसके बाद में काउंटेबल यूज करें या अनकाउंटेबल, दोनों आ सकता है, परंतु अ ग्रेट डील ऑफ या फिर अ गुड डील ऑफ, इनके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगी। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम सेंटेंस से समझते हैं। यहां पर I did not have many friends. I did not have many friends. बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस यहां पर नेगेटिव है। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट की जगह अब मैंने आया कहां है, देखिए वर्ब, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, हैव एन वर्ब, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, तो यहां पर मैंने यूज किया जा सकता है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। मान लीजिए आई हैड, खाली जगह, फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स या फिर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ये आएगा करेक्टली। मैनी का जो सही यूज है वो ऐसे किया जाएगा, अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो तो मैनी का यूज ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैनी की जगह, यानी सेंस मैनी का दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउंस है तो मैनी आना चाहिए, परंतु सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पर अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। इसी प्रकार We did not eat food. यहां पर much आएगा. We did not eat much food. ठीक. We ate खाली जगह food. हमने अधिक खाना खाया. इस अधिकता में क्योंकि food आया हुआ है, much आएगा, uncountable है. तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो. We ate a lot of food, we ate lots of food, we ate a great deal of food, a good deal of food, यानी ये आ सकता है, याद रखना किसकी जगह, much की जगह, कौन से सेंटेंस में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव में तो मच या मैनी आएगा, इंटरोगेटिव में भी आएगा, परंतु जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो उसकी जगह हमें ये यूज करना चाहिए, मैनी की जगह अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, मच की जगह अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या फिर अ गुड डील ऑफ, यानी कुछ भी आ सकता है, कोई गलती नहीं है। अगर आप वहां पर अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शन है उनमें से, इनमें से कोई एक मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद में एक छोटा सा यूज हम देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में हाउ, सो, एज और टू आए, हाउ, सो, एज, टू आए, तो वहां पर हमें मच या मैनी का यूज करना है, हमें मच या मैनी का यूज करना है, और करना मच और मैनी का हम डिफरेंस कैसे करेंगे, मान लीजिए खाली जगह के बाद में काउंटेबल प्लूरल है तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत सिंपल तरीके से मैनी और मच के यूज को हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज क्लास, थैंक्स।